हेलो चिल्ड्रन, तो मैं आज आपको नवी कक्षा का तीसरा पाठ बदले अपनी सोच। क्या बदलना चाहिए बच्चों? अपनी सोच बदलना। पाठ का नाम है बदले अपनी सोच। तो बच्चों, यह एक ऐसा पाठ है कि यह एक भाषण, यानी भाषण लेख पाठ है। भाषण का अर्थ होता है कि स्पीच। यानी भाषण देना, वैसा ही एक पाठ है बदले अपनी सोच। सोच बदलने को कहते हैं सोच बदलना। तो बच्चों, यहां पर सोच यानी किस तरह बदलना चाहिए, किसमें अपनी सोच बदलना चाहिए, क्या करके अपनी सोच बदलना चाहिए, किसमें अपनी सोच बदलना, क्या करके अपनी सोच बदलना, कैसे अपनी सोच बदलना, यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य। यानी सोच किसमें बदलना चाहिए, लेसन पे बदले अपनी सोच। अंटे मन का आलोचना ने मन मार्च को बोले, चेंज योर थॉट्स। मैं अपना आलोचना ने मार्च को बोले, अंटे देन का मन का आलोचना ने कुंडली मारा ले, ये लांटी विषय आलो मन का आलोचना ने कुंडली मारा ले, ये जैसी मन का आलोचना ने कुंडली मार्च को बोले। ఇదే ఈ లెసన్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్। तो देखिए, यह पाठ है कि बदले अपनी सोच। यानी कौन कहते हैं इस पाठ में अपनी सोच बदलने को कौन कहते हैं? तो इस पाठ में किस पर अपना भाषण दे रही है, यानी किस विषय पर अपना भाषण दे रही है, भाषण यानी किसमें दे रही है और क्या करके यानी अपनी सोच बदलने को कहते हैं, क्या करके अपनी सोच बदलने को कहते हैं। అంటే లెసన్ లో వచ్చే చూడండి, మనం ఇక్కడ మన ఆలోచనను మార్చుకోవాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ అంటున్నారు। అంటే ఎవరు చెప్తున్నారు మన ఆలోచనను మార్చుకోమని చెప్పేసి? అంటే ఏ విషయంలో మన ఆలోచన అనేటువంటిది మారాలి, ఏ విషయంలో మన ఆలోచన అనేటువంటిది మారాలి? ओके, तो देखिए पाठ के बारे में देखिए। सो ओके, लेसन को चूड़ी। ओके, तो ध्यान से सुनिए बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको ही हम अंग्रेजी में यूएन को कहते हैं और तेलुगु में ऐरासा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, उसको अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तेलुगु में ऐक्य राज्य समिति अनंटारु। इन इंग्लिश यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ, इसी को ऐक्य राज्य समिति यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ। तो बच्चों, यहां पर एक छोटा सा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई पता है आपको? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने इसको स्थापित किया। ओके, राइट। सो चूड़ंडी, 24th अक्टूबर 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945
1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो देखिए बच्चों यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ कि एक लड़की ने सबको सोचने में मजबूर कर दिया, सोचने में मजबूर कर दिया। तो देखिए किसी के पास भी उसके प्रश्नों का यानी उसके प्रश्नों का किसी के पास भी जवाब भी नहीं था, किसी को भी उसके प्रश्नों का जवाब भी नहीं था। तो देखिए अपने सवालों से सबको मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम है युगरत्ना श्रीवास्तव, युगरत्ना श्रीवास्तव उस लड़की का नाम है युगरत्ना श्रीवास्तव। संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा पहली बार हुआ कि एक लड़की ने सिर्फ 13 साल की लड़की ने सबको सोचने में मजबूर किया। उसके सवालों का जो उसने सवाल पूछे थे उसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। इस तरह से अपने सवालों पर सबको मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम है युगरत्ना श्रीवास्तव, उस लड़की का नाम है युगरत्ना श्रीवास्तव। यह लड़की सिर्फ 13 वर्ष అంటే సంయుక్త రాష్ట్రంలో కష్టం ఎలా జరిగిందంటే కేవలము 13 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి అమ్మాయి, 13 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి అమ్మాయి ఓకే సంయుక్త రాష్ట్రంలో యుఎన్ఓలో తన యొక్క స్పీచ్ అనేటువంటి ఇచ్చింది। అంటే కేవలం చూడండి అమ్మాయికి 13 ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక అమ్మాయి యుఎన్ఓలో యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్ లో వచ్చేసి తన యొక్క భాషణ ఐ మీన్ స్పీచ్ అనేటువంటిది ఇచ్చింది। తను ఆ టైంలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ కి ఎవరి దగ్గర సమాధానాలు అనేటువంటివి కూడా లేవు। ఆ విధంగా తన యొక్క ప్రశ్నలతో అందరిని ఆలోచింపజేసినటువంటి ఆ అమ్మాయే, కేవలం 13 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఆ అమ్మాయే యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్। లడికి కా నామ్ హై యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్। तो युगरत्न श्रीवास्तव ने किस पर अपना भाषण दिया, युगरत्न श्रीवास्तव ने किस पर अपना भाषण दिया అంటే మనం ఏదైనా ఒక స్పీచ్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నప్పుడు ఒక టాపిక్ అనేటువంటిది ఉండాలి, అంటే ఏ టాపిక్ మీద తన యొక్క స్పీచ్ అనేటువంటిది ఇచ్చిందంటే చూడండి ఇక్కడ ఓకే యుగరత్న శ్రీవాస్తవ తన తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే పర్యావరణం। పర్యావరణానికి సమస్య, पर्यावरण की समस्या के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ कि 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने में मजबूर किया। अंदर ने आलोचनापति आ हमारे युगरत्न श्रीवास्तव वहां पर यूएनओ में किस पर अपना भाषण दी थी कि पर्यावरण की समस्या पर, तन देश तन या स्पीच अच्छी पर्यावरण संबंधी प्रॉब्लम కేవలం 13 సంవత్సరాలు 13 ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక అమ్మాయి। తో దేఖే వహాన్ పర్ ఔర్ ఉస్నే కైసే ప్రశ్న కియే థే దేఖే సెప్టెంబర్ 2009 లో వచ్చేసి ఓకే ఉస్కా భాషణ దేతే హుయే, సెప్టెంబర్ 2009 మే వో భాషణ దేతే హుయే इस तरह कह रही है कि हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय बालू मरते जा रहे हैं, ध्रुवीय बालू मरते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को यानी 2 आदमियों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा है, पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए सो और कह रही है कि ओके చూడండి ఇంకేమంటున్నారంటే హిమాలయ పిఘలతా జా రహా హై, ధ్రువీయ బాలు మర్తే జా రహే హై, హర్ 5 మే సే 2 వ్యక్తియో కో పీనే కా సాఫ్ పానీ భీ నహీ మిల్ రహా హై, ఔర్ హమ్
उस इस तरह के पेड़ पौधों को खोने की खदान में है कि जो लुप्त होते जा रहे हैं, जो लुप्त होते जा रहे हैं। और उसी तरह से प्रशांत महासागर का पानी, प्रशांत महासागर का पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, प्रशांत महासागर का पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। अपने भाषण देते हुए कह रही है, तन का स्पीच चुनाव हिमालय पिघलता जा रहा है, हिमालय कड़की ध्रुवीभा मंटे जा रहे हैं, स्नो बियर्स मंजूँ। सो अभी वाट जाति अंतर हर पांच में से दो व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। प्रति ऐसी हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे?
विवरत्न श्रीवास्तव ने यहाँ पर थोड़े से प्रश्न पूछे हैं अंटे ये ओक भूमि मन కాపాడుకోకపోతే అంటే ఈ ఒక భూమిని మనం కాపాడుకోవాలి అనేటువంటి దాని మీద తను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగింది ఏమని అంటే యహకం యహానై యోగాకు కామోగా ఈ పై అనేది ఇక్కడ జరగకపోతే ఇంకెక్కడ జరుగుతుంది అప్నై యోగాకు కబోగా ఈ పై అనేటువంటిది ఇప్పుడు చేయకపోతే నువ్వు ఎప్పుడు చేస్తావు హమ్నై కరేంగేతో కౌన్ కరేంగే ఈ పని అనేటువంటిది మనం చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు ओके यह काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे यह काम यहां नहीं होगा तो कहां होगा अब नहीं होगा तो कब होगा हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे ये पनी आ रही थी तुमको इपुड़ इकड़ चाहिए कब होते इकड़ जस्ट हो इपुड़ चाहिए कब होते इपुड़ जस्ट हो ये पनी आ रही थी तुमको चाहिए कब होते ये और जस्ट हो इलाटी क्वेश्चन समय कुंडी भी ऐसे सवाल युगरत्न श्रीवास्तव ने यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में पूछा हाईटेक समाज बना लेने से या करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती को नहीं बचा सकते करोड़ों रुपए जमा करने से या हाईटेक सिटी बना लेने से हाईटेक समाज बना लेने से हम अपनी धरती को नहीं बचा सकते ओके करोड़ों रुपए कोई कोटला डब्बुल दाचपेना ओके हाईटेक समाज हाईटेक सोसाइटी ने निर्मించాలనుకున్నా నీ యొక్క భూమిని నువ్వు కాపాడుకోలేవు ఇలా ఇలా చేయడం వల్ల నీ యొక్క భూమిని నువ్వు కాపాడుకోలేవు కొన్ని కోట్ల డబ్బులు జమ చేసుకున్నా కానీ లేదంటే హైటెక్ సొసైటీని నిర్మించుకున్నా కానీ నువ్వు దేన్ని కూడా చేయలేవు నీ యొక్క భూమిని నువ్వు కాపాడుకోలేవు తో దే ఓ కేరేని యహ యహం పర్యావరణికి సమస్య పర్యావరణికి సమస్యలకు సుల్జానేకే లియే ఇకట్టా హుయే హై सुलझाने के लिए इकट्ठा हुए हैं यानी एकत्रित ओके सो यहां पर हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित 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 होना एकत्रित होना मुहावर का अर्थ इकट्ठा होना या जमा होना इकट्ठा होना या जमा होना हम सिर्फ पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं केवल पर्यावरण संबंधी प्रॉब्लम दाखिल सोल्यूशन दाने मैं गल प्रजल मैं थाट वैंड सैट मार्च मैं गल पर्यावरण की समस्या को सुलझाना और उसी तरह से लोगों की सोच भी बदलना लोगों की सोच भी बदलने के लिए हम यहां जमा हुए हैं एकत्रित हुए हैं पर्यावरण संरक्षण प्रॉब्लम साल्व प्रजल आलोचना मार्च ज्ञान तो हर बालक की कक्षा में जो बालक जो कौन सी कक्षा पढ़ता है हर बालक की जो कक्षा में यानी उसकी शिक्षा में यानी के पर्यावरण की जागरूक करना चाहिए पर्यावरण की समस्या पर जागरूक करना बच्चा जो कक्षा पढ़ता है उसकी किताबों में पर्यावरण से संबंधित पाठ को भी देना चाहिए बच्चा जो भी कक्षा पढ़ता हो उस कक्षा की किताबों में पर्यावरण की समस्या पर यानी पर्यावरण संबंधित जो कुछ भी पाठ है उसमें देना चाहिए और उसी तरह से देखिए बच्चों विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती यह है कि जैव इंधन तकनीकों में भी बदलाव आना चाहिए जो अच्छी और सस्ती हो जो अच्छी और सस्ती होना चाहिए अंडे चूँगी रेवंतारे युवरत्न श्रीवास्तव ओके सो हर बालक को भी इस शिक्षा यानी पर्यावरण की शिक्षा में जागरूक करना चाहिए వాడు చదివేటువంటి దాని మీద ఏదైనా సరే అంటే పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి దానిలో కంపల్సరిగా తనలో ఒక అవేర్నెస్ ఉండాలి
అండ్ అంతే కాకుండా బచ్చా జో కక్షా మే పడతా హో పిల్లవాడు ఏ క్లాస్ లో అయితే చదువుతున్నాడో ఉస్ పార్ట్ మే తను చదువుతున్నటువంటి కితాబో మే ఉస్కే కితాబో మే పర్యావరణం కే సంబంధిత పార్ట్ దేనా చాహియే పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి లెసన్ అనేటువంటిది కూడా కంపల్సరీగా దాంట్లో ఇవ్వాలి వాడికి ఏ క్లాస్ అయితే చదువుతున్నాడో ఆ క్లాస్ లో పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి ఒక లెసన్ అనేటువంటిది కూడా ఇవ్వాలి विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कह रही डेवलपमेंट चाहिए दर के चपटला डेवलपमेंट विकास भी होना चाहिए और जैव मित्र तकनीकों में बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी या बायो केमिकल टेक्नोलॉजी को कूड़ा मार्पुल అనేటువంటి రావాలి ओके बायो केमिकल टेक्नोलॉजी को कूड़ा मार्पुल అనేటువంటి రావాలి वो अच्छी और सस्ती हो अच्छी क्वालिटी గా ఉండాలి అండ్ सस्ती चीप గా ఉండాలి తక్కువలో ఉండాలి ओके इसमें बदलाव आना चाहिए और उसी तरह से देखें मैं दुनिया के सभी नेताओं से मैं दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओके थोड़ा ध्यान से सुनिए मैं दुनिया के सभी नेताओं से मैं दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ प्रपंच लीडर्स तो नैन केवल रेशन अड़कों ओके सो देखिए उनमें से पहला प्रश्न क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक राजनीतिक या आयु सीमाओं के दायरे पर हो सकती है युगरत्न श्रीवास्तव ने दुनिया के सभी नेताओं से दो प्रश्न किए थे उनमें से पहला प्रश्न यह है कि पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक राजनीतिक आयु सीमाओं के दायरे पर हो सकती है क्या तो इसका अर्थ यह है कि ओके सो प्रपंच गोप गोप लीडर्स की केवल रेंडे प्रश्न ओके अंदर मोदी प्रश्न पर्यावरणीय समस्या की पहचान ओके पर्यावरण वे समस्या उन्नायो వాటిని మనం ముందుగానే ఎలా గుర్తించగలం ఒకటి భౌగోళిక జియోలాజికల్ పరంగా రాజనీతిక పొలిటికల్ పరంగా ఆయు సమూహం దేనో ద్వారా టెక్నాలజీ ద్వారా ఎలా ఓకే అంటే పర్యావరణంలో వచ్చేటువంటి సమస్యలతో మార్పు అనేటువంటిది మనం ముందుగానే గుర్తించేటువంటి విధంగా ఉండాలి అది జియోలాజికల్ పరంగా భౌగోళిక పరంగా అయినా కానివ్వండి లేదంటే రాజకీయ పరంగా మార్పులు అనేటువంటిది ओके इस तरह से दुनिया के सभी नेताओं से युगरत्न श्रीवास्तव ने यह प्रश्न किया था मेरा यह निश्चित प्रश्न नहीं है मैं कंपलसरी नहीं कि ओके आंसर आने के लिए गवर्नमेंट चपक ले दीनिक सॉल्यूशन आने के लिए आलोचना मैं చెప్తున్నాను ముందుగానే మనం ఎలా గుర్తించగలం పర్యావరణంలో వచ్చేటువంటి మార్పులను మనం ముందుగానే ఎలా గుర్తించగలం ఏం చేసి భౌగోళికంగా రాజకీయపరంగా ఇలా और उसी तरह से ओके और दूसरा प्रश्न ओके सो दूसरा प्रश्न यह है कि यदि राष्ट्र की सुरक्षा शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूर मुद्दा है तो पर्यावरण बदलाव जरूरी क्यों नहीं हो सकता यदि आपके लिए राष्ट्र की सुरक्षा शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूरी है तो पर्यावरण बदलाव यह जरूरी क्यों नहीं हो सकता आपके लिए क्यों यह जरूरी नहीं हो सकता तनाड़ी में टूटे रेंडम क्वेश्चन एंड जुड़े हुए ओके सो मिलान वाले की राष्ट्र सुरक्षा నేషన్ అనేటువంటిది ప్రొటెక్ట్ చేయడం అంటే నా దేశం అనేటువంటిది సేఫ్ గా ఉండాలి అనుకోవడం శాంతి అలానే పీస్ఫుల్ గా ఉండాలి అనుకోవడం ఆర్థిక వికాస్ ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది ఉండాలనుకోవడం ఇవే మీ వరకు ఇంపార్టెంట్ అయితే పర్యావరణ బదులు క్యూ నహీ హో సక్తా పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి సమస్య అనేటువంటిది అది మీకు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది
युवरत्न श्रीवास्तव से जो प्रश्न पूछे थे, जो सवाल किए थे,
सवालों के बारे में भी एक बार इस पाठ को ध्यान से पढ़िए। युगरत्न कुमार श्रीवास्तव ने अपना भाषण संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण की समस्या पर दी थी। युगरत्न श्रीवास्तव ने अपना भाषण पर्यावरण की समस्या पर संयुक्त राष्ट्र संघ में दी थी। अंटे युगरत्न श्रीवास्तव ये टॉपिक मीद तन का स्पीच अने पर्यावरण की समस्या। तो इसीलिए बच्चों इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और जो कुछ भी इस पाठ के बारे में जो कुछ भी जानकारी हो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दी संबंधी टोटल इन्फॉर्मेशन अने वीडियो में ओके। सो इकट्ठी प्रतिदी मेन क्वेश्चन जाग्रा ओके चलवी अंदर लेसन चाग्रा चलवी चाल इंपारटेंट लेसन ओके दी संबंधी प्रॉपर।